आज मेरठ दौरे पर रहेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जहां वो एक विशाल जन जागरण रैली को संबोधित करेंगे। शताब्दी नगर के माधव कुंज में राजनाथ सिंह सीए के समर्थन में रैली करने जा रहे हैं। तो रैली में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी शामिल होंगे। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी उनके साथ इस रैली में मौजूद रहेंगे। तो राजनाथ सिंह करीब डेढ़ घंटे मेरठ में रहेंगे। रक्षा मंत्री दोपहर 1 बजे नई दिल्ली से निजी हेलीकॉप्टर के जरिए रैली स्थल माधव कुंज पहुंचेंगे, जिसके बाद रैली को संबोधन करने के बाद वो 2:30 बजे हेलीकॉप्टर से वापस दिल्ली लौट जाएंगे। तो रैली को लेकर बीजेपी ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। एक बड़ा मंच राजनाथ सिंह की रैली के लिए तैयार किया गया है। सुरक्षा की अगर बात करें की जाए तो सुरक्षा को लेकर सारी तैयारियां पूरी और पुख्ता सुरक्षा यहां पर इंतजाम किए गए हैं। प्रशासनिक अधिकारी सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से मुस्तैद दिख रहे हैं। सीआरपीएफ अधिकारी मेरठ पहुंचकर रैली स्थल को अपनी सुरक्षा घेरे में ले लिया है। तो आज मेरठ में राजनाथ सिंह की एक बड़ी रैली होने जा रही है। इस रैली को संबोधित करने का कार्यक्रम भी, और साथ ही इस रैली के जरिए सीएए को लेकर लोगों को जानकारी देने की कोशिश जो है वो राजनाथ सिंह की तरफ से की जाएगी। तो उनकी इस रैली को लेकर तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। तो दिल्ली से अपने निजी हेलीकॉप्टर के जरिए वो रैली स्थल पर पहुंचेंगे। ये कल काफी भीड़ आने की संभावना है, उसी के दृष्टिगत सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बैरियर्स बनाए गए हैं, पार्किंग्स बनाए गए हैं, जो सुरक्षा व्यवस्था है सभा स्थल की, मंच की, हेलीपैड की, इन सभी पर भारी मात्रा में पुलिस बल और पीएसी तैनात किए गए हैं।